नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर कामा मेवा क्षेत्र के जोरेरा थाना क्षेत्र के गांव सबलगढ़ से आ रही है, जहां मेवा क्षेत्र के सबलगढ़ में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाहरी पुलिस बल के साथ दबिश देते हुए 5 ट्रैक्टर और 1 कटर मशीन को बरामद किया है, जो चोरी के बताए हैं। उत्तर प्रदेश से अलग अलग स्थानों से चोरी कर लाया गया है। सबलगढ़ स्थित जुगदीन के बाड़े से पुलिस ने यह सामान बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के गोवर्धन सीओ राममोहन शर्मा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश टीम ने जोरेरा थाने पर पहुंचकर जोरेरा थाना अधिकारी जयप्रकाश को अवगत कराया कि उनके उत्तर प्रदेश से ट्रैक्टर सहित अन्य वाहन चोरी हुए हैं, जो जोरेरा थाना क्षेत्र के सबलगढ़ गांव में हैं। जिसके बाद जोरेरा थाना अधिकारी जयप्रकाश उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के बाद पुलिस जाब्ते के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ सबलगढ़ गांव पहुंच गए, जहां सबलगढ़ गांव में घेराबंदी कर पुलिस ने दबिश दी और दबिश देकर वहां से 5 ट्रैक्टर सहित कटर मशीन को बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस दबिश के चलते अपराधी बदमाशों में हड़कंप मच गया है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस चोरी के ट्रैक्टर सहित कटर मशीन को साथ लेकर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भारी तादाद में कामा मेवा क्षेत्र में दबिश देने के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेवा क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ दबिश दी है और दबिश देकर एक साथ पुलिस ने 5 ट्रैक्टर सहित कटर मशीन को बरामद किया है। मेवा क्षेत्र में पुलिस की लगातार दबिशों के चलते अपराधी और बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है।